नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मेरे ठीक पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, दो साल विकास के, हेमंत संघ विश्वास के, लगातार आप द फॉलोअप के जरिए जो है लाइव सुन रहे होंगे मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रियों को, जो कि दो साल पूरा होने के बाद जो है वो जब राज्य को संबोधित कर रहे थे इस कार्यक्रम के जरिए, तो उन्होंने क्या क्या बोला। लेकिन जब अब मंच पर कोई है नहीं और यहाँ से हम लोग कुछ आपको सुना नहीं सकते हैं, तो इस पूरे कार्यक्रम में वो महत्वपूर्ण बातें क्या क्या रही जो आपको जानना चाहिए, जो आपके लिए मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार के द्वारा कहा गया अलग अलग माध्यम से, तो वो सबसे पहले आपको एक बता दें कि सबसे पहले जो पारा शिक्षक हैं, जो कि अब सहायक अध्यापक बन गए हैं, तकरीबन 62,000 राज्य भर में सहायक अध्यापक हैं, उनको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मंच से जो है एक घोषणा की, जो उनकी मांगे लगातार जो पारा शिक्षकों की सरकार से थी, उसको एक तरीके से जो है उस समस्या उसका समाधान निकाल लिया गया है। सिर्फ एक जो वेतनमान का जो मसला है पारा शिक्षकों की, उसको भी लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में जो है उसको बैठ करके जो है उसका भी जो है समाधान निकाल लिया जाएगा। पारा शिक्षकों के लिए यानी कि अब सहायक अध्यापकों के लिए क्या क्या बातें कही गई वो मैं आपको पहले बताता हूँ। अब सहायक अध्यापकों को, खास करके जो टेट पास हैं, उनके मानदेय में जो है 50% तक 50% राशि जो है उसको बढ़ा दिया गया है, उनके मानदेय में वृद्धि किया गया है। और जो प्रशिक्षित पारा शिक्षक थे, जो अब प्रशिक्षित सहायक अध्यापक जाने जाएंगे, उनकी जो मानदेय में वृद्धि हुई है वो 40% हुई है। इसके अलावा जो नियमित करने की बात कही जा रही थी, मांगी भी जा रही थी पारा शिक्षकों के द्वारा कि अब उनको नियमित किया जाए, तो 60 साल तक जो है अब राज्य में सहायक अध्यापक सेवा दे सकेंगे, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी जो उन्हीं पारा शिक्षकों से जुड़ी हुई है कि अब जो अनुकंपा के आधार पर भी जो नौकरी की बात, हालांकि अनुकंपा के आधार पर कई जगहों पर अभी नौकरी जो है समाप्त कर दी गई है, लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार ने यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने सहायक अध्यापकों के लिए जो है जब घोषणा कर रहे थे, तो उसमें एक यह भी बात कही गई कि अब अनुकंपा के आधार पर भी जो है उनके लिए एक प्रावधान रहेगा, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके बाल बच्चों को, उनके परिवार के लिए जो है किसी को सोचना नहीं पड़े। दूसरी जो बड़ी बात है अब पारा शिक्षकों से अलग, आपको एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो आपसे और हमसे सबसे जुड़ी हुई है, वो पेट्रोल और डीजल को लेकर के लगातार आप देख रहे होंगे कि देश भर में जो है पेट्रोल और डीजल पे चर्चा हो रही है, राहत देने की मांग होती रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेट्रोल और डीजल पर एक बड़ी बात कही है, हालांकि वो 26 जनवरी से जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, 26 जनवरी से वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्या कहा है पेट्रोल डीजल पर, क्या कैसे राहत देगी हेमंत सोरेन की सरकार, वो आप जान लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और इसका जो बुरा असर है वो गरीब, खास करके मध्यम वर्ग के परिवारों को जो है वो हो रहा है, तो ऐसे में जो भी राशन कार्ड धारक हैं राज्य भर में, उनको जो है हर महीने जो है इसको फिर से आप लोग सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के कीमतों में राहत देने के लिए उनकी सरकार आगामी 26 जनवरी के बाद से हर महीने 10 लीटर पर जो है 25 रुपये की राहत देगी। यानी कि अगर सपोज आप ये मान लीजिए कि अगर आप 100 रुपये पेट्रोल अभी आप भरवा रहे हैं, 100 रुपये डीजल आप अभी खरीद रहे हैं, तो 26 जनवरी के बाद जब आप 100 रुपये पेट्रोल डीजल खरीदेंगे तो महीने में 10 लीटर तक आपको हर लीटर पर राहत दिया जाएगा और वो पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में जाएगा। इसके लिए शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपको राशन कार्ड धारक अगर आप रहेंगे तभी जो है आपको इसका लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा किया है मुख्यमंत्री ने, दोबारा से आपको इस पे हम रिपीट कर देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कर दिया है कि वैसे राशन कार्ड धारक जो झारखंड के हैं, झारखंड में रहते हैं, उनको आगामी 26 जनवरी से हर लीटर पर, मतलब कि पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं तो उस पर 25 रुपये की जो है राहत मिलेगी और ये पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में चला जाएगा, लेकिन यह 10 लीटर तक ही रहेगा। अगर आप महीने में अगर आप 20 लीटर 30 लीटर खपत करते हैं तो उससे जो है
वो उस पर राहत नहीं मिलेगी, उसमें सिर्फ 10 लीटर पर जो है राहत मिलेगी। ये बहुत बड़ी घोषणा है, मुख्यमंत्री ने एक राहत दिया है। दूसरी, छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री ने आज यहाँ से किया है इस मंच के जरिए, उसमें उन्होंने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ करने की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सरकार जो है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार आने वाले दिनों में जो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है शुरू करने जा रही है। इसमें तकरीबन जो है 1,00,000 युवकों को, युवतियों को जो है ये दिया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा, उसको उच्च शिक्षा के लिए, उसको पढ़ाने के लिए जो है व्यवस्था दिया जाएगा। और जो भी छात्र जो है वो अगर इच्छुक रहेंगे तो वो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का जो है वो लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा एक जो पिछड़े वर्ग का जो एक मामला लंबे समय से चलते आ रहा है, और सरकार की जो सहयोगी दल है कांग्रेस, वो भी लगातार यह मांग करते रही है कि पिछड़ों को जो है आरक्षण दिया जाए, 27% आरक्षण की मांग लगातार जो है होती रही है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब बतौर नेता प्रतिपक्ष अपने चुनावी मंचों से जो है ये बोलते रहे हैं कि पिछड़ों को जो है 27% आरक्षण दिया जाएगा, उसमें भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को लेकर के जो उनका वादा है उससे वो पीछे नहीं हटे हैं, और आने वाले दिनों में जो है उन वादों को पूरा करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। खास करके उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के साथ साथ जो है अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों के साथ भी जो है उनकी सरकार न्याय करेगी। तो आप देखिए, महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो यही चार बातें थी जो कि हम लोगों को लगा कि यहाँ से जो है आप लोगों को अलग से बता दिया जाए, ताकि आप जो कि जागरूक दर्शक हैं वो ज़रूर द फॉलो अप और बाकी चैनल्स के माध्यम से आप लोग सुन ही रहे होंगे कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, राज्यपाल ने क्या कहा और हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों ने क्या कहा। लेकिन ये जो चार महत्वपूर्ण बातें थी, पहला, पारा शिक्षकों को अब सहायक अध्यापक बना दिया गया है, उनकी मांगें पूरी कर ली गई है, जिसका सीधा लाभ जो है 62,000 सहायक अध्यापकों को मिलेगा, यानी कि पारा शिक्षकों को लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जो पेट्रोल डीजल पे जो राहत दी गई है, खासकर वैसे लोगों को जो कि राशन कार्ड लाभुक हैं और महीने में अब 10 लीटर पर जो है उनको 25 रुपये जो है राहत दी जाएगी, और वो पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में जाएगा। तीसरी बात, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना गुरु जी के नाम पर यह शुरू किया जा रहा है, शुरू होने वाला है, जिसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने यहाँ से की है। और चौथी बात, जो अंतिम बात जो हमको लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, वो ये कि पिछड़ा वर्ग से जो लोग आते हैं उनको जो आरक्षण देने का जो वायदा मुख्यमंत्री ने किया था बतौर नेता प्रतिपक्ष, अब भी वो उसको लेकर के प्रतिबद्ध हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेरे ठीक पीछे जो मंच सजा हुआ है उसके जरिए जो है आप लोगों के लिए यह बातें कही हैं। शुक्रिया।